हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एपिसोड नंबर 7, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुर्ती की फिटिंग करना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा चैनल स्पेशली बिगिनर्स के लिए है और इसमें मैं बहुत ही डिटेल में बताती हूँ। तो अभी तो मेरी कुर्ती की सीरीज चल रही है जिसमें मैं एपिसोड वाइज बता रही हूँ कुर्ती के बारे में, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने खुद ने सिलाई सीखी है उसी तरीके से बता रही हूँ। बट फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगता है जैसे आपके लिए ये बहुत ही मतलब छोटी चीज़ है जो मैं बता रही हूँ और आपको थोड़ा एडवांस लेवल में सीखना है, तो मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं एडवांस लेवल पे बताती हूँ और उसका नाम है नूर फैशन वर्ल्ड। और उस चैनल के लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये कुर्ती है जिसके एपिसोड चल रहे हैं, तो इसको मैं सबसे पहले उल्टा कर लूँगी। और अगर आपने इसके जो बाकी एपिसोड है वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले वो देखिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगी। तो चलिए इसको उल्टा कर लेते हैं। और इसके जो एपिसोड चल रहे हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन सारे एपिसोड की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस साइड ऑलरेडी निशान लगा हुआ है। अब जो हमें निशान लगाना है वो दूसरी साइड लगाना है। तो इस साइड जैसे कि मैं मशीन यहाँ से चलाऊंगी इस साइड को पड़ेगा, पर जो मैं दूसरा निशान लगाऊंगी मैं इस साइड लगाऊंगी। तो चलिए इस पे निशान लगा लेते हैं। इसको बराबर कर लें अच्छे से पहले। तो फ्रेंड्स, इस तरफ भी निशान लगा लेंगे। पहले लंबाई से निशान ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 7 नंबर पे बस्ट लाइन आएगी और 15 नंबर पे जो है कमर की लाइन आएगी और हिप की लाइन आएगी 23 इंच पे। अगर आपने इस कुर्ते की कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए, तो मार्जिन का मैंने यहाँ पे छोड़ा था बस्ट पे 1.5 इंच और यहाँ पे भी 1.5 इंच छोड़ा था कमर में भी, पर मैंने हिप में 1 इंच छोड़ा था। तो ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच, 1 इंच यहाँ पे हिप में 1 इंच लिया था मैंने, छोड़ा था मार्जिन के लिए। तो इनको हम मिला लेते हैं। अगर आपके पास शेप फुट्टी है तो आप इससे मिलाएं, शेप फुट्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीधे स्केल से भी मिला सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको सिलाई पे गोलाई लेनी है, वी नहीं बनाना है यहाँ पर, यहाँ पर गोलाई देनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सिलाई करते हैं इसके ऊपर। और फ्रेंड्स, कई लोगों को शिकायत आती है कि जो हमारी फिटिंग है वो अच्छी नहीं आती बिल्कुल भी, बट आप इस तरीके से करेंगे ना लाइन बनाकर और आपकी सिलाई जब इसी पे जाएगी तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो चलिए लगा लेते हैं यहाँ पर सिलाई। यहाँ पे हिप पॉइंट आ गया है, यहाँ पे जो है हमें सिलाई पक्की करनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने लगा ली है दोनों साइड पे सिलाई। तो अब वैसे तो यहाँ पर दो सिलाइयाँ लगाते हैं, बट आप पहले एक बार पहन के देख लें और दूसरी सिलाई बाद में ही लगाएं। तो चलिए मैं आपको इसको दिखा देती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप निशान पे ही सिलाई लगाएंगे तो आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। तो ये आप देखिए इसका पूरा लुक, तो इस तरीके से इसकी फिटिंग हो जाएगी। अभी हम इसको प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगा फिटिंग। और फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।